हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फ़ोनपे से किसी भी बैंक अकाउंट में या फिर यूपीआई आईडी या फिर नंबर सर्च करके उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं अपनी फ़ोनपे अकाउंट से। तो गाइस, इसके लिए पहले आपको अपनी फ़ोनपे अकाउंट में आना है। आने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ से आप अपना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे अकाउंट में अपने फ़ोनपे से। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है टू कॉन्टैक्ट का, यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट में जितना नंबर सेव है उसको आप फ़ोनपे से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। वो अगर फ़ोन पे खुला है तो यहाँ पे बताएगा, तो उसका नाम लिखने के बाद यहाँ पे चला आएगा। वो अगर फ़ोन पे खुला है तो आप यहाँ से भेज सकते हैं, या फिर नंबर लिखकर आप सर्च कर सकते हैं, या फिर यूपीआई आईडी डालकर यूपीआई आईडी से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर दूसरे एप्लीकेशन में जैसे कि पेटीएम, गूगल पे में आप फ़ोनपे से गूगल पे में फ़ोनपे से पेटीएम में भेजते हैं तो उसका यूपीआई आईडी आपको देना है। देने के बाद आप उसको पैसा सेंड कर सकते हैं, उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताने के लिए चलो मैं नंबर सर्च कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने एक नंबर सर्च किया है, सर्च करने पर उसका नाम, फ़ोटो वगैरह सब कुछ निकल आया है। वो अगर फ़ोनपे अकाउंट खुला है तो यहाँ पे ऐसा बताएगा। तो यहाँ पे गाइस आपको उसको पैसा भेजना है, आपको पता चल जाएगा कि इसको मुझे पैसा भेजना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है, चलो मैं 1 रुपये लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 रुपये लिखने के बाद सेंड करना है। यहाँ पे आप कौन सा बैंक से सेंड करना चाहते हैं, यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा बैंक भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक ही बैंक ऐड किया तो एक ही बता रहा है। तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक करके आप अपना यूपीआई पिन डालकर पैसा सेंड कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आप यूपीआई आईडी सर्च करके भी उसको पैसा सेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी एक सर्च कर लेता हूँ। चलो तो देख सकते हैं मैंने एक यूपीआई आईडी यहाँ पे सर्च किया है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई यूपीआई आईडी करना है। करने के बाद पता चल जाएगा कि किसका है, यहाँ पे नाम लिख दिया है मार्कंड मेहर, इसका है, इसको मैं पैसा सेंड कर सकता हूँ। इसका निक नेम एक लिख लेना है, चलो MM लिख लेते हैं यहाँ पे कुछ भी। तो कंफर्म करने के बाद गाइस यहाँ पे सेव हो जाएगा यूपीआई आईडी। तो सेव होने के बाद गाइस आप उसको पैसा सेंड कर सकते हैं उसके यूपीआई आईडी से। उसका ये पेटीएम यूपीआई आईडी है, तो उसको मैं एक बार सेंड करके आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं यूपीआई आईडी सेव हो चुका है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हैं या फिर अमाउंट सेंड कर सकते हैं। अमाउंट सेंड करने के लिए आपको यहाँ पे रुपीज़ लिखना होगा। यहाँ पे 1 रुपये मैंने लिख लिया है, तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक करके आप यहाँ पे यूपीआई पिन देकर यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो चलो मैं यूपीआई पिन एक बार डाल लेता हूँ। तो देख सकते हैं यूपीआई पिन देने के बाद यहाँ पे राइट सिंबल पे क्लिक करना है। उसके बाद उसके पास 1 रुपये चला जाएगा, ये देख सकते हैं 1 रुपये चला गया है उसके यूपीआई आईडी में। तो यहाँ से ऐसे ही आप दूसरे यूपीआई आईडी दूसरे एप्लीकेशन में अपने फ़ोनपे अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूपीआई आईडी के थ्रू। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है टू अकाउंट का, आप किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपनी फ़ोनपे अकाउंट से, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऐड रिसिपिएंट बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक चूज़ कर लेना है, उसका बैंक कौन सा है यहाँ पे चूज़ कर लेना है। चलो मैं यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया है पेटीएम पेमेंट बैंक। यहाँ पे देख सकते हैं आप कोई दूसरा बैंक अकाउंट में यहाँ पे सेंड करना चाहते हैं तो उसका बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद उसका अकाउंट नंबर लिखना है। अकाउंट नंबर कंफर्म करने के लिए फिर से आपको लिखना है यहाँ पे नीचे उसका IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम, फ़ोन नंबर, निक नेम यहाँ पे आपको लिखना है, सारा कुछ फिलअप करना है। तो चलो मैं ये सारा कुछ फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नंबर, नाम वगैरह सब कुछ लिख दिया है। लिखने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको पैसा सेंड कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे 1 रुपये लिख लेता हूँ। आप मैसेज कुछ लिखना चाहते हैं तो नीचे लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद गाइस यहाँ पे डाउन पे क्लिक करना है, उसके बाद सेंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे अमाउंट सेंड कर देना है। तो यहाँ पे यूपीआई पिन देकर अमाउंट सेंड करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना यूपीआई पिन डाल चुका हूँ। डालने के बाद राइट सिंबल पे क्लिक करता हूँ तो उसके पास ये पैसा चला जाएगा 1 रुपये। यहाँ पे देख सकते हैं डाउन पे क्लिक करने के बाद उसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है, बाद में दूसरा सेव करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे टू अकाउंट पे जाओगे तो यहाँ पे पता चलेगा, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके पैसा अमाउंट सेंड कर सकते हैं। आपको एक ही बार सेव करना है उसका अकाउंट नंबर। और यहाँ पे आप कोई दूसरा अकाउंट, नया अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ऐड रिसिपिएंट बैंक अकाउंट पे क्लिक करके आप नया अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे 2-3 अकाउंट सेव करके बाद में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बैक में चलते हैं। और यहाँ पे टू सेल्फ का है, तो आप 2 अकाउंट यहाँ पे सेव किए हो तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऐसे। तो आप नया अकाउंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अपना खुद का अकाउंट 2-3 अकाउंट ऐड कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे बैंक बैलेंस, आप अपना बैंक बैलेंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप जो जो बैंक ऐड किए हो सारा कुछ बताएगा। तो यहाँ पे जिसका आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं उसको क्लिक करना है, उसका यूपीआई पिन डालने के बाद बैंक बैलेंस यहाँ पे आपको बता देगा।
तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही टैक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।